दिल्ली चुनाव में हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, हर प्रकार की साजिश रच रहे हैं। अभी 3 दिन चुनाव, 4 दिन रह गया है, कितनी फोटो कितनी वीडियो ये लोग जारी करेंगे, कितनी और साजिश करेंगे, ये आप लोग देखते जाइए। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, और चुनाव आचार संहिता में चुनाव आयोग सर्वे सर्वा होता है। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश देव जो इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो आकर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों का फोटो मिला है और हम इसकी जांच कर रहे हैं कौन कौन से लोग साजिश में शामिल है। चुनाव आयोग का नियम है कि किसी भी पार्टी का नाम तब तक कोई अधिकारी नहीं ले सकता, क्योंकि उससे चुनाव उसका प्रभावित हो सकता है जब तक उसके पास चुनाव आयोग की अनुमति ना हो। शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बड़े स्तर पे एक्सपोज हुई है। शाहीन बाग में गोली चलाने वाला व्यक्ति आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सिद्ध हुआ है, जिसको संजय सिंह ने स्वयं उसको पार्टी ज्वाइन कराई है, आम आदमी पार्टी। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं साथियों, और संजय सिंह के द्वारा आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराया हुआ व्यक्ति शाहीन बाग में गोली चलाता है, वो एक्सपोज हो गया। अब इस पे कई बड़े सवाल उठते हैं। शाहीन बाग में जिस प्रकार से रास्ते बंद हुए, लगभग 10 लाख दिल्ली के लोग परेशान हुए, 15 मिनट का रास्ता उनका ढाई ढाई तीन तीन घंटे में पूरा हुआ। कई लोग समय पे ना पहुंचने के कारण नौकरी से निकाल दिए गए, और जिस प्रकार की वहां पे हिंसा हुई, जैसा अफरा तफरी मचा, बच्चों के एग्जाम का समय है, ऐसे में शाहीन बाग का आयोजन करना, मैं समझता हूं ये निंदनीय भी है और ये दंडनीय भी है, ताकि दिल्ली की जनता दूध का दूध पानी का पानी कर सके। मैंने वैसे ही प्रचार हो रहा था, प्रचार होने पे वैसे ही उन्होंने जबरदस्ती आकर के टोपी उड़ा दी, भाई ये पार्टी में वो कर लो, ये कर लो। हमारा कोई मैटर नहीं है आम आदमी पार्टी से, कोई हमारा कोई किसी से ताल्लुक नहीं है, ना कोई हमारा मैटर है, ना हम आम आदमी में ज्वाइन करी। और हम तो कभी ना राजनीति में आए थे, तब 2012 तक हम बीएसपी में रहे थे, और बीएसपी से होने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी, मैंने राजनीति से बिल्कुल एकदम छोड़ दिया, राजनीति करनी बंद कर दी, तब से मैं नहीं गया। जैसे चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो उस टाइम पे ये ऐसे लोग आ रहे थे, तो वहां जाकर के लोग गांव के लोग थे, ऐसी मजाक में उन्होंने जाकर के ये करा दिया, उससे मेरा कोई मैल नहीं। अभी मेरे पास चुनाव चल रहा है, बीजेपी वाले भी आए थे, मैं तो उनको भी प्रत्याशी ढिल्लो सिंह को भी मैंने माड़ा पहना ही है, उसको भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो हर आदमी को करता हूँ, अगर मैं राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है इस टाइम।